महानगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को महापौर और नगर आयुक्त ने लाल डिग्गी स्थित नेहरू पार्क में नागरिकों को कपड़े का झोला वितरित किया। महापौर ने नागरिकों से अपील किया कि वो पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में नगर निगम प्रशासन का सहयोग करें। जो लोग पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे उनके ऊपर कानूनन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, उपसभापति जितेंद्र सैनी, रामभुवाल कुशवाहा सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम बताएंगे ना ये कपड़ा है ना, ये काज कितना बड़ा है, सब्जी फ्री होना चाहिए भाई। सरकार द्वारा 15 अगर पिछले 15 तारीख से झोला का अभियान चलाकर हम लोग शहर में बांट रहे हैं। कैरी बैग को पूरी तरह से सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, जनता ने भी उसे सहर्ष स्वीकार किया है और आप देखेंगे कि कैरी बैग अब सड़कों पर कम दिखाई पड़ रहा है। इससे नालियों की सफाई में नगर निगम को काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं और हम लोग चाहते हैं कि शहर के सभी शहरवासी एक कपड़े का झोला लेकर मार्केट में जाएं और ख़रीदें। उसी तहत अभियान के तहत आज कुछ झोला लाल डिग्गी में वितरित किया गया है सामाजिक संगठनों द्वारा, जो कि इस स्वच्छता अभियान में पूरा पूरा सहयोग करेगा। आगे भी मैं यहाँ के नागरिकों से अपील करूँगा कि कतई कैरी बैग का प्रयोग न करें, कानूनी अपराध भी है, सामाजिक अपराध भी है और पर्यावरण के सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैरी बैग का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दें। इसी के तहत आज हम लोगों ने कुछ लोगों को जागरूकता के तहत झोला दिया है। मैं सभी नागरिकों से पुनः अपील करूंगा कि आने वाले दिनों में किसी तरह के प्लास्टिक सामान का प्रयोग न करें। जगह जगह हमारे नगर आयुक्त साहब ने, हमारे उपसभापति, हमारे सभी पार्षदों ने अभियान चलाकर जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सी सभाएँ की हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। जो नहीं मानेंगे उन पर कानून अपना कार्रवाई करेगा।